بسم الله السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وغاصنا وغياسنا ومغيسنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسيار زنب من بسر صام مدد قبل يدي مدد قعب ويما مدد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وملجأنا مأوانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. حمد و صلات کے بعد شکر اللہ رب کریم جل شانہ کا کہ اس کے حبیب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہم کو جمعات المبارک کی ساعتیں نصیب ہوئیں. اللہ کریم ہم سب میں آپس میں محبت عطا فرمائے، ہم کو جمعات المبارک کی اس فضیلت کو اور اس دن کی برکت کو اور اس جمعے کی نماز میں ہمیں جلد سے جلد عبادت گاہ پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. نہایت واجب الاحترام میرے سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی اتوار کے لیے چند چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے اسلام میں جن میں پانچ چیزیں اسلام میں جس کے پاس ہیں
उस कदरों को पाने के लिए। वो इन पांच चीज़ों में, नंबर एक अकायद, नंबर दो इबादात, नंबर तीन हुस्ने खुल्क अच्छा इखलाक, नंबर चार मुआमिलात और नंबर पाँच आदाब मुआशरत, माशरे के आदाब, इस्लामी माशरे के आदाब। अकायद की जब बात आती है तो इसमें वो चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पर हुक्म दिया है उस पर अमल करना, जैसे टू ओबे द अल्लाह एंड फॉलो हिज कमांड, उसके नबियों पर ईमान लाना, उसकी किताबों पर ईमान लाना, ये अकायद हैं। इबादत, रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज, जो आम मामूलात हम करते हैं और उमूमी तौर पे। तीसरा हुस्ने खल्क, सखावत, तवाज़े, इंकिसारी माशरे में रहने की। और चौथा मामिलात, मामिलात से मुराद इस्लाम ने ये बताया कि आप कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपस में लेन देन करते हैं, तो इस्लाम में तरीके बयान किए गए, वज़ा किए गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम किए, उस तालीम पर अगर आप अपने कारोबार को, अपने मामलात को चलाओगे तो आप सही मानों में मुसलमान हो, सही मानों में इस्लाम के पैरोकार हो। फिर आखिर में पाँचवा जो मैंने फरमाया वो ये था कि इस्लामी माशरे, माशरत इस्लाम, हम आपस में किस तरह मिलते हैं, आपस में किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह रिश्तेदारियाँ निभाते हैं, किस तरह एक दूसरे से मिलते हैं, क्या करना चाहिए, किस तरह मिलना चाहिए, कहाँ कहाँ बैठना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए, यह है इस्लामी माशरत। ये हमें नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने हमें तालीम दी। इन पाँच चीज़ों पर अगर हम पक्के हो जाएँ तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमारी ज़िंदगी जो है ना अल्लाह और उसके रसूल की राह पर चलनी शुरू हो जाती है। आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो कर रहे हैं इस्लामी माशरे यानी माशरत पर, कि हमें अपनी आपस की ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, किस तरह गुजारी, रसूलुल्लाह सल्लम ने हमें किस तरह बताई, वो कुछ मुख्तसर सा कलाम थोड़े से वक्त में करेंगे। जाहिर है आप लोगों से मैंने कुछ वक्त मांगा था कि आप सवा एक बजे तक आ जाएं, तो जज़ाकल्लाहु खैर आप पौने दो बजे आने की आदत डाल चुके हैं, तो फ़कीर जो कहना वो तो कह ही देगा, पाँच दस मिनट और कम सही, आपको अच्छी नहीं लगती पाँच दस मिनट बातें ज़्यादा करना अल्लाह और उसके रसूल की, तो अल्लाह और उसका रसूल आपको पकड़ करे ऊपर, मेरा क्या, मेरा काम था आपको बता देना, तम भी कर देना। यही हम आज बात गुफ्तगू करेंगे कि हमें इस्लाम ने क्या तालीम दी है, किस तरह से हमें ज़िंदगी गुजारनी है, और क्यों ऊपर पकड़ होगी, क्या पकड़ होगी, जिस तरह हम बेरवा हैं। कोई शख्स कहता है मुझे इल्म नहीं था, तो कम से कम कल वो ये बात नहीं कह सकता कि मुझे इल्म नहीं था। इल्म लेना उसकी ज़रूरत है, इल्म हासिल करना उसकी ज़रूरत है, उसको लेना है, शरिया में हुक्म है, अल्लाह ने हुक्म दिया है, मरने से एक लम्हा पहले भी अगर तू इल्म से महरूम है तो वो इल्म हासिल कर ले, वरना कल मैं तुझसे पूछूंगा तूने क्यों हासिल नहीं किया। अब तेरा वहाँ कोई बहाना चलेगा नहीं, क्योंकि अब अपनी ज़िंदगी में आप देखें तो बहुत सी चीज़ें हम फजूल चीज़ों में भी गुजार देते हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये इस्लामी माशरा, अगर सबसे पहले हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की तरफ चलें, सूरह अहज़ाब की आय करीमा देखते हैं 51 कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानहू ने एक ज़बरदस्त पैगाम दिया हमें अपने माशरे के लिए। दिया तो सरकार अलैहिस्सलाम की तवस्सुत से, लेकिन हमें किस तरह दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरह अहज़ाब में कि एक मौका ऐसा आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबियों को दावत दी अपने आस्थाने आलिया पर, अपने काशाने आलम पर, तमाम सहाबियों को मदीने की दावत दी। अब उस दावत में हुआ क्या, सहाबियों ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दावत दी है, तो जाहिर इतनी बड़ी बारगाह है, तो उस मोहब्बत के अंदर अभी खाना पका ही नहीं था, खाने पकने से पहले ही सरकार के घर में तशरीफ लेके चले गए सारे के सारे सहाबी मोहब्बत में, पूरा घर भर गया, अभी तो खाना बनना शुरू हो रहा है। ये हमें तालीम दी माशरे में, देखें आप अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद से तालीम दे रहा है ये सूरह अहज़ाब में कि देखे सहाबी सारे पहुंच गए पहले, अब बैठे हुए अंदर गप्पे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जैसे भी है वो अपनी मोहब्बत में। खाना बनना शुरू हुआ, कितने देर लगी थी आपको मालूम है, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे। खाना तैयार हुआ, खाना तैयार हुआ, मेरे आका अलैहि सलाम ने खाना सर्व किया, सबको खाना खिलाया। तो खाना खाने के बाद जितने लोग अंदर बैठे थे, जाहिर है हुजूर अलैहि सलाम की दावत है, उस वक्त तो मुहिब सारे ही हैं, आप और मैं तो नहीं कि चंद 5 लोग होंगे, कई 100 होंगे, यानी आधे अंदर बैठे हैं, आधे बाहर सुबह से बैठे हैं, जो शुरू में आ गए
वो अंदर फंस गए, वो बैठे रहे, वो बाहर जो आए वो बाहर खड़े रहे, बैठे रहे, कभी बाहर निकले। अब खाना बना, खाना बनने के बाद जब भी वह सर्व हुआ, अब खाना खाने के बाद भी जो बैठे हैं खाना खाने, उनका भी दिल बाहर जाने को नहीं चाह रहा कि तो हम तो रसूलुल्लाह के पास ही बैठेंगे, खाना खाने के बाद ही बैठे। अल्लाह अकबर। और मेरे आका अलैहिस्सलाम सलाम की उस वक्त जो हालत थी, उस वक्त जो टेंस था सरकार को, उस वक्त जो फिक्र थी, वो फिक्र ये थी कि मेरे एक गुलाम यहां बैठे और मेरे एक गुलाम बाहर बैठे धूप में जो इंतजार कर रहे हैं खाने का। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम सलाम को देखें कैसे, मेरे आका अलैहिस्सलाम सलाम है कि उनकी जबान निकल नहीं रही, खुल नहीं रही कि इनको कहते कि आप बाहर जाओ तो दूसरे आए, वो इनको कुछ भी नहीं कह सकते, बाहर वालों को देख के तकलीफ महसूस कर रहे हैं कि अल्लाह ये बाहर वाले तकलीफ कर रहे हैं, अगर इनको कहूंगा तो इनके दिल में भी मतलब मेल होगा कि मेरे को सरकार घर से भगा रहे। मतलब ये हमें तालीम दी जा रही है, देखें आप, हमें सीखना चाहिए, हम किसी दावत में जाते हैं तो ये सरकार अस्सलाम दामी तरकार तो अल्लाह रहमतुल आलमीन सबके लिए, वो तो चुप किसी को नहीं बोल रहे। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये देखा नहीं गया, अल्लाह को ये मंजर अपने महबूब की थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी ये तकलीफ रह नहीं गई सबका। अल्लाह ने कुरान मजीद की आयत करीमा नाज़िल फरमा दी कि ऐ मोमिनो या अय्युल्लज़ीना आमनू ला बुयूतुल तदखुलू, कि नबी के घर में दाखिल हुए हो और तुम ये सोचकर दाखिल हुए हो कि बस अब यह हमारा डेरा है, हमारा कब्जा है, पर नबी हमारा ही है, नबी के कोई काम नहीं है, नबी का कोई मामूलात नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में उन लोगों को सख्ती से पेश आया, बोलो खाना खाओ, टाइम पर आओ, देखो तुम्हारा नबी कितना परेशान है, बाहर लोग धूप में खड़े हैं उन खाने के लिए और तुम आराम से बैठे हुए गप्पे मार रहे हो खाना खाने के बाद कि हम तो नबी के घर पे बैठे हैं, इस दर से हम कैसे जाएं। तुम ये सोच रहे हो नबी की क्या हालत है, नबी ये सोच रहा बेचारे बाहर वालों का क्या होगा। अब जब भी कभी दावत में आओ तो सोच लो नबी की दावत में आने से पहले इज्न लो, अल्लाह कुरान मजीद फरमाता है इज्न लो कि मैं आना चाहता हूं, उस वक्त इजाजत दे नबी, अब बैठो खाना खाओ फौरन चले जाओ, देर नहीं लगाओ ताकि दूसरे लोग फिर आ जाएं, क्योंकि दूसरे लोग तलाश में होते हैं, दूसरे लोग इंतजार में, वो खाना खा लें। तो हमें इस कुरान मजीद की आयत करीमा ने तालीम ये दी कि हम भी किसी के घर में जाएं तो डेरा ना डाल लें, क्योंकि एक मोमिन को दूसरे मोमिन की जरा सी बात पर भी तकलीफ हो ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं, अल्लाह उसके रसूल को बर्दाश्त नहीं। अल्लाह ने फरमाया किसी मोमिन को जरा सी भी तकलीफ हो ये बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए आप देखें रिश्तेदारों में तो हुकूक हैं इस्लाम के बेशुमार, आप मानते भी हैं कि चले मेरी बहन है उसका हक है, मेरे चाचा है, मेरे ताया है, मेरे खूनी रिश्ते हैं उनका तो हक है, लेकिन इस्लाम पड़ोसियों का हक इतना ज्यादा दे रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम सलाम की हदीस पाक है, सरकार फरमाते हैं कि अगर मुझे डरना होता मेरी उम्मत की गफलत का तो मैं उसकी जायदाद, जो बंदे की जायदाद है उसका हक भी पड़ोसी को दे देता। कितने हुकूक हैं। और एक हदीस मैंने पहले भी सुनाई थी आपको, उसमें फरमाया था कि आप खाना बनाओ और बराबर वाला आपका भूखा है, गरीब है, उसके पास इतनी वसाहत नहीं है कि वो खाना बना सके इतना अच्छा, तो इसकी खुशबू अगर बराबर के घर में गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कल कयाम ने पूछेगा कि तूने उस मेरे मोमिन को तकलीफ दी, उसके घर में खाना नहीं था तो ठीक है तेरे घर में खाना था, तू दरवाजे खिड़की बंद करके वो मनाता ताकि उसको खुशबू नहीं जाती, वो बेबस ना होता, वो परेशान ना होता, उसके दिल से भी निकलती आ जो कोई बात निकलती। ये तड़पना भी अल्लाह के अल्लाह को और उसके रसूल को ये पसंद नहीं है किसी मोमिन का दूसरे मोमिन से जरा सी भी कोई तकलीफ हो जाए पहुंचाना। इसीलिए हदीस पाक है, एक दफा सहाबा कराम बैठे थे सरकार से पूछ रहे हैं सहाबा कराम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबिया है एक औरत है बहुत नेक है, हमने उसको देखा मामूलात में, उसके मामूलात ये हैं कि रात दिन इबादत करती है, सुबह अल्लाह का जिक्र करती है, रोजा रखती है, बहुत नेक है। अल्लाह हू अकबर। हम तो आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या मदीने में सबसे नेक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्जस्ता सवाल का जवाब दिया और उसको सवाल उल्टा कर दिया सहाबियों से, अच्छा ये बताओ नबी को पता है? अल्लाह ने आपको पहले ही बताया, मेरे आका अलैहिस्सलाम सलाम के सारे नबियों को पता होता, नबी के माने हैं गैब की बात जानने वाले, अगर आप कोई सवाल करते हो नबी को पता होता है कि क्या करने वाला है, तो मेरे नबी ने सवाल किया क्या वो औरत पड़ोसियों से अच्छी है? ये जबरदस्त सवाल के साहब ने यासो असलम, हाँ ये अमल उसका बड़ा खतरनाक है, वो बड़ी चिड़चिड़ी है, इबादत करती है, नेक करती है, सारी नेकी है, लेकिन पड़ोसियों से हंस के बात नहीं करती, किसी कोई मिलता है तो इतनी मुस्कुरा के नहीं, हर वक्त गुस्सा लगा रहता है, हर वक्त वो बस कोई बात जरा सी बात कह दे तो गुस्से में सुनाने लग जाती है, आइए हर का आदत है। तो सरकार ने फरमाया वो तुम जो समझ रहे हो वो बहुत नेक औरत है, बहुत बड़ी जन्नतिया है, नहीं अल्लाह की बारगाह में उसका मकाम जहन्नम है। अल्लाह अंदाजा कीजिए नेकी अपनी तरफ। इसीलिए हमने मामलात में जो मैंने बताई पांच चीजें अकायद इबादत, हमने दो ही चीजों को इस्लाम समझ लिया है कि मस्जिद में जाता है नमाज पढ़ता है अकीदा अच्छा है फलाना ढिमका बस यही मुसलमान है और यही सच्चा दीनदार है, बाकी किसी को नहीं देखते कि हम जो अवाम की खिदमत कर रहा है किसी भाई की खिदमत कर रहा है। रात को किसी ने बुला लिया फोन करके, भाई मैं बहुत तकलीफ में हूँ मेरे साथ ये मामला, आप फोन गाड़ी लेके वहाँ पहुँचे, अल्लाह अकबर। ये है मामला दीन का, दीन का यह मामला नहीं भाई मैं तो बहुत नेक आदमी हूँ मैं तेरे यहाँ कैसे आऊँ, मेरी तो इबादत का मामला है। अल्लाह अकबर। सब अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कोई किसी मोमिन की दिलजोई कर ले किसी दिन
दस मिनट भी और कोई शख्स सो रफकत नफल पढ़ ले उससे ज्यादा अफजल वो शख्स है जिसने मोमिन की दिल जोई की, उसका दिल को खुश किया। मेरे दोस्तों ये हमारा इस्लाम है, इस्लाम आशरा हमारा ये है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। नबी अलैहिस्सलाम से औरत के बारे में फरमाया कि वो जन्नती नहीं वो जहन्नमी है। फिर दूसरी औरत का जिक्र आया जो इबादत गुजार नहीं थी, आम हमारी तरह थी, लेकिन उसका इखलाक जब पेश किया इन्होंने कि यार ससरम वो औरत तो सबसे मिलनसार पड़ोसी उससे खुश सब खुश, तो सरकार ने फरमाया वो औरत उससे ज्यादा जन्नत की हकदार है, वो जन्नती है। और वो औरत जो तुम नेक और इबादत वाली कह रही हो लेकिन उसका पड़ोसी उससे अच्छा खलूक नहीं है, उसका इखलाक अच्छा नहीं है, वो जन्नत के काबिल नहीं है। तो मेरे दोस्तों क्या हमें पहला खान बताया अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये हमारा इस्लाम माशरा जो है हमें मस्जिद के भी आदाब देता है। सुनिए, अभी मैं जब दाखिल हुआ तो थोड़ी सी गुफ्तगू में सुनता हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है थोड़ी ज्यादा भी सुन लेता हूँ, लेकिन आप ये सोचिए अगर ये सेंटर है तो आप इसको ये ना समझिए कि ये सिर्फ सेंटर ही है, घर है। जब आप दाखिल हुए जुमे की नमाज में तो आपका हक है कि ये अल्लाह का घर हो गया, अल्लाह का घर है। यहाँ ऊंची आवाज पे बात करना रसूलुल्लाह फरमाते हैं उस आदमी की मौत है। याद रखिए अल्लाह के घर में ऊंची आवाज से बात करना उसकी मौत है। कैसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तुम दाखिल हो तुम्हारे कदम इतने तेज भी ना लगे कि धक की आवाज आए। अगर मस्जिद में दाखिल होते हुए धक की आवाज आई, अल्लाह तुमको कयामत के दिन इस धक धक के बदले में उस धूप के पसीने वाले साए में बताएगा तुमको रख के कि तूने मेरे घर की अदब नहीं किया, अपने घर की तरह इस घर को समझा कि इसी तरह आता हूं जैसे मेरा घर है, घुस जाओ आमतौर पर आके गुफ्तगू आमतौर पर करनी शुरू कर दी। अल्लाह अकबर जबान को बंद करने का हुक्म दिया मस्जिद के अंदर, जब दाखिल हो तो बहुत एहतियात करो पता नहीं क्या निकल जाए। आपको पता खा पानी पीना भी जुर्म है मस्जिद में, जब तक के आप उसका एतकाफ की नीयत ना कर लें उस मस्जिद की। याद रखिएगा पानी पीना भी मना है, आम खाना भी मना है, कोई और काम दुनिया का करना भी मना मस्जिद में दाखिल होते हुए। हाँ, जब तक कि आप उसकी नीयत ना कर ले कि मैं नीयत करता हूं नीयतुल एतकाफ सुन्नतुल एतकाफुल मस्जिद आप कर लें फिर आप करें जो काम करना है, लेकिन ऐसा जो बाशरा हो बहुकुम इस्लाम ने दिया हो, लेकिन और कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं मामला, देखते हैं आप उम्मीद तौर पर मस्जिदों में आपने देखा, ये भी आप सुन लीजिए मसला, जुमे की नमाज ईद की नमाज ज्यादा रश होता है इसलिए बता रहा हूं। होता क्या है कि एक आदमी आगे खड़ा है पीछे वाला आदमी नहीं आता, दो सब खाली है, देखते होंगे आप ये मामला आते हैं, ये मैं और आप सीख रहे हैं ये सारी चीजें दीन। दो तीन आदमी नहीं आए, उसने मुड़ के देखा ओ भाई इतना तेज चिल्लाया आगे आओ जगह खाली है, अस्तगफुरुल्लाह मना है, मना है, सुन लेना गुनाहगार हो गया, वो गुनाह लिख दिया गया, वो समझ रहा है मैं नेकी कर रहा हूं उसको बुला के आगे नहीं, क्योंकि उसको इल्म होना चाहिए कि मस्जिद के आदाब क्या है कि मुझे अगली सब खाली नहीं रखनी। अगर उसको इल्म नहीं है आप इशारे से बुला सकते हैं ऐसे, बस इससे ज्यादा आपको तौफीक नहीं कि आप आवाज लेकर बुलाएं। अगर इजहार तालीम अगर इमाम साहब या मौज़न आपको पहले से बता देता है कि आगे आ जाओ मोबाइल बंद कर दो, ये वो और तरीका है कि आपको पहले से सिखा दिया जाता है, फिर इसके बावजूद फिर आप शुरू हो जाते हो तो फिर ये इंतहाई गलत है। फिर वो अगर नहीं आता तो उसकी नमाज गई आपकी नमाज नहीं गई, फिर वो गुनाहगार है। पहले इमाम साहब कह देते हैं कि अगली सब पुर कर लो, ये मस्जिद के आदाब है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मस्जिद के आदाब में आप सुनिए इतनी खूबसूरत बात मेरे आका अलैहि सलाम फरमाइए मोमिन के लिए। आपको पता है लहसुन हराम है नहीं, लहसुन हराम है नहीं, प्याज हराम है नहीं, लेकिन मस्जिद में इसको खाकर आना सख्ती से मना है। अल्लाह उसके रसूल ने फरमाया कभी भी लहसुन और प्याज खा के मस्जिद में नहीं आओ, क्यों? इसलिए कि जब तुम यहां होगे इज्तिमा होगा रश होगा तमाम तक बहुत सारे लोग होंगे, किसी को करहात महसूस होगी आपकी लहसुन से आपकी प्याज की खुशबू से बदबू से या स्मेल से, तो वो बेचारा नमाजी दिल में बड़ा बुरा महसूस करेगा। तो उस मोमिन के दिल में बुरा महसूस करने की वजह से ये मस्जिद के अंदर लहसुन और प्याज खाना मना है। आकर कुल नहीं करके मुंह साफ करके, और मिसवाक क्यों हुक्म है? मिसवाक इसीलिए मोमिनों हुक्म है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह मिसवाक की आप क्या शान हो, अल्लाह जो मिसवाक करता है याद रखिए जब मौत वाला फरिश्ता जब आएगा ना उसके पास अल्लाह अकबर, मौत की आसानी में सबसे बेहतरीन नुस्खा मिसवाक करने वाले का है। जिसके मुंह में मिसवाक की आदत होगी अल्लाह का फरिश्ता वो इज़राइल जब आएगा उसकी रूह को बड़ी प्यार से खींचेगा। इंशाअल्लाह मेरा इरादा है आइंदा आपको मौत के असबाब और कब्र के असबाब और कयामत के असबाब और आलम बरज़ख़ तीसरी दुनिया के मामला आपके सामने पेश करूँ आइंदा सीरीज के अंदर इंशाअल्लाह तीन चार जुम्मों में। अगर आप जल्दी आए तो आपको बहुत इल्म होगा कि अब हमें मरना है तो कैसे लोग मरे हैं बड़े बड़े लोग, और किस तरह इजराइल आता है और कैसा आएगा आप लोगों को, हमें क्या तैयारी करनी चाहिए इंशाल्लाह इसकी बात करेंगे। लेकिन मैंने मिसवाक की बात की, अब मिसवाक कितनी बेहतरीन चीज़ है आप सुनिए। हुज़ूर पुरनूर सईद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त विसाल शरीफ, सख्त नज़ा की हालत, बहुत तकलीफ में आप, और आपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाया उम्मुल मोमिनीन ए आयशा मिसवाक तो ला दें, अल्लाह आखिरी वक्त देखे कितनी मोहब्बत है मिसवाक से, मिसवाक तो ला दें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला गई
एक मिसवाक ला के दी, सरकार ने जैसे मुंह में लगाई उस वक्त इतनी तकलीफ थी आपको और इतनी गिरानी थी तकलीफ से, मेरा कमजोरी थी, तो आपने कहा आयशा ये बहुत सख्त है मिसवाक, जरा इसको नरम कर दे। सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अपने दांतों से खूब चबाया, चबा के खूब चबा के नरम किया, हुजूर पुन्नू सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस दिया। और या सुन लीजिए, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहिए तो ये, हम जो लोग तो ये करते हैं ना, हमारे तो ये हाल है, फौरन कपड़ा मांग के साफ करते उसको या धोते दोबारा, फिर दोबारा लगने, सरकार ने वो पूरी मिसवाक ली और अपने मुंह में मिसवाक करना शुरू कर दिया। अल्लाह हू अकबर। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला फरमाती है, मुझे जिंदगी भर फख्र रहा अपने हदीस पाक में, बहुत बड़ी, अरे आपको बता राविया, मैंने आपको बताया, बहुत बड़ी आलमा अपनी किताबों में लिखती है हदीसों में, कि मुझे जिंदगी भर फख्र रहा कि आखिर वक्त एक तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मस्कन पर, मेरे आस्थाने पर वफात पाई, आपने विसाल पाया, और आखिरी वक्त मेरा लुआब और सरकार का लुआब एक हो गया, मुझे फख्र हुआ, मेरा आयशा रज़ी अल्लाह ताला जिंदगी भर फख्र करती रही इस बात पे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, किस कदर अहमियत है इस मस्जिद के आदाब में, आपने देखा अभी तो बहुत बातें हो सकती हैं मस्जिद आदाब पे, ये तो पूरा चैप्टर है, पूरा मौजू है, पूरी तकरीर है, लेकिन मेरे तौर अब आइए, हुजूर पुर्र सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी मेहमान और मेहमान और मेज़बान। उमूमी तौर पर हमारे यहाँ दो चार चीज़ें हैं वो जो जिक्र करके टाइम नहीं है। मेहमान, हम किसी के मेहमान बन के जाते हैं और कोई हमें मेहमान बनाता है। उमूमी तौर पर हमारे यहाँ क्या होता है, सुनिए, हम जिसके यहाँ जाते हैं खाने बैठते हैं तो इत्तेफाक से वो अपनी बिसात के मुताबिक खाना बना देता है। अब हम देखते हैं यार ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, बरजस्ता उस दस्तरखान पे आप जुमला कह देंगे, यार ये तो मुझे पसंद नहीं था तूने बना लिया, मुझे खाए नहीं। अल्लाह अकबर। आप बताइए, आप उसका दिल मोमिन का टूटा ना, किस मेहनत से तुझे, मोहब्बत से तुझे बुलाया, मेरे नबी ने तालीम की, मेरे नबी अलैहिस्सलाम सलाम जिंदगी भर कभी किसी खाने को बुरा नहीं कहा। अल्लाह, किसी खाने को जो भी आया खा लिया है, मेरा आका अलैहिस्सलाम कभी नहीं कहा कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं, मुझे पसंद नहीं, कभी नहीं कहा। हालांकि कद्दू शरीफ सरकार को इतने पसंद थे, इतने पसंद है, आपको पता है कद्दू शरीफ मेरे आका जो ये सरकार फरमाते हैं, जो कद्दू शरीफ खाता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये कद्दू शरीफ जो खाने वाला है कभी भी मूजी मर्ज में नहीं मरेगा। अगर इसको पसंद करके कोई खाए कद्दू शरीफ को, कभी मूजी मर्ज कितने हैं हमारे यहाँ माशरे में आपको पता नहीं है, हर तीसरा आदमी जो था आदमी कहीं ना कहीं मर्ज है, अल्लाह उस मर्जों से हमें महफूज फरमाए और बचाए। मेरे दोस्त, कद्दू शरीफ इतनी बेहतरीन चीज़ है, एक सहाबी के दस्तरखान पर कद्दू शरीफ थे, बड़े प्यारे मोहब्बत करने वाले साहबी थे, तो उनके साहबजादे बैठे थे, तो उन्होंने देखते कद्दू देखते मुंह बिगाड़ा और क्या अम्मा ये क्या पका लिया, अल्लाह हु, उठे तलवार निकाली और की गर्दन बजा के रख दी, बोला खुदा की कसम आज तूने कह दिया है, आइंदा कहेगा तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। तो ये पता है ये कद्दू शरीफ सरकार की पसंदीदा चीज है, तू कौन होते आला नापसंद करने वाला उस लोग। और हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं जो कद्दू शरीफ को बुरा कहे वो मेरी नजर में मुसलमान ही नहीं है। अंदाजा कीजिए इस कदर हुजूर पुर्रू सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद का ख्याल रखा जा रहा है, इस कदर इमामों का अपना अपना फतवा है, मतलब इस कदर मोहब्बत है। और हम माशरे में जरा सा तेज नमक हो, यार बड़ा नमक डाल दिया, बड़े भैया तू शुगर का मरीज है, मेहमान है, पहले फोन कर दे कि भाई हजरत जरा चीनी जो है ना मत डालिएगा, मैं चीनी नहीं खाता, ताकि उसका बिगाड़ ना हो, वो चाय बनाए मीठी या किसी मेहमानों के लिए, दो चार आदमी शुगर वाले हो आप पहले से इसको कह दो मेहमान के जाने से पहले उसकी, और कोई चीज़ की हर चीज़ की तारीफ करो। अल्लाह कहा यह कि मोहब्बत से तारीफ करो, खुश होगा, जाहिर यह कि आप दावत में जा रहे हो, जो मिल गया सामने आ गया तो आपने तो खाना ही है, अब उसकी तारीफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका क्या बिगड़ जाएगा, आप खुश हो जाएगा, चलो यार आपको अच्छी भी नहीं लगी कोई चीज़ तो मोहब्बत से आपने खा ली। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और कुछ मामला हुकूक भी दिए हैं दस्तरखान के, हम मेहमान बन के जाते हैं, हमारा कोई हक नहीं है उन खाने पर सिवाय खाने के, माकूल कौल यानी आपको खाने के लिए बुलाया दावत पे, हम क्या करते हैं अपनी रोटी उठाई को सावारा, यार ये ले ले तू खा ले, आपको हक ही नहीं है ये रोटी देने का, कल कयामत में आपसे पूछा जाएगा, जब तुझे रोटी खाने के लिए बुलाया था तुझे किसी को देने के लिए, तेरी है ही नहीं चीज, ये तेरी चीज़ तो है ही नहीं, तुझे खाने के लिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसा होता ना कोई फकीर आ रहा, हम कहीं बैठे, हम अक्सर दावत में बैठते हैं किसी होटल में या कहीं, तो कोई फकीर आ तो हमने उठा के दे दी, आपका उससे पूछें साहिब खाना से मेज़बान से, भाई तुमने चीज दावत दी है, इतनी रोटी किसी फकीर को दे, तू मांग रहा है, अगर वो इजाजत देता है तो आप देने के हकदार हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कयामत में पूछी जाएंगी। मेरे दोस्तों आइए, मेरे इमाम आला हजरत से बात मेरे जहन में आ गई, इमाम आला हजरत से पूछते हैं कि उन्होंने कैसे दावतें खाते थे, वो क्या करते थे। उस जमाने के अंदर आलिमों की कदर होती थी, उलमाए दीन की बड़ी कदर होती थी, आपको पालकी पे बैठा भेजा जाता था, पालकी पे बिठा कर अपने घर पे दावत दी जाती थी, वो मेहमानों की उलमाओं की कदर होती थी, बड़ी इज्जत होती थी मेरे दोस्तों आलिम दीन की। तो सरकार आले सरकार इमाम आला हजरत शेख अहमद रज़ा खान साहब की दावत दी किसी शख्स ने, तो आप दावत में गए, दावत जब खाने लगे, आप सुनिए ये बड़ा आम सा मसला है, आप देखेंगे, मैंने भी यहाँ शिकागो में आया, दो मसले मैंने देखे थे, तो मैंने किसी से गुजार किए तो उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो यार ये कोई नई चीज़ आप लाए, जब मैंने उसको किताब बताई तो हवाला बताया तो समझ में आया, लेकिन वो समझ में यूँ नहीं आया कि वो इल्म जानता नहीं है, फिर भी उसके समझ में नहीं आया, लेकिन वो फिर भी दावत में करते हैं ऐसे लोग, तो सुनिए हम लोग करते हैं ऐसी दावत में रखकर। वो ऐसा कि खाना आना लगा और वो सालन जो था बड़ा लजीज था, आला हजरत को बड़ा पसंद आया, आला हजरत पसंद, आला हजरत थोड़ी देर बाद से पूछा एक इजाजत दूं तुझसे,
मेज़बान ने कहा क्या पूछना चाहते हैं हजरत? बोले चाहता हूँ कि शोरबा बचा है, क्या ये शोरबा मैं पी लूँ? मेज़बान ने कहा मेरे इमाम सारा सामान ही आपका है, मालिक है आप ही के लिए तो बनाया, किसके लिए बनाया? बोले फिर आप पूछ रहे हैं? बोले तुझे पता है तूने मुझे खाने के लिए बुलाया, ये सालन जो है खाने के लिए है, मैंने खा लिया, अब ये माकूलात यानी माकूल में है, मशरूब में नहीं है। मुझे अगर कोई दोपहर की दावत देगा तो मैं वो सारी चीज़ें शरबत बना के पी नहीं जाऊँगा, ये मेरा हक नहीं है। मेरा हक ये था कि मैंने खा लिया, अब ये मशरूब कर रहा हूँ, पी रहा हूँ। अब पीने के लिए तुझसे इजाजत चाहूंगा कि मैं ये क्या पी सकता हूँ तेरा ये शरबत, ये शिरवा? क्यों? कि अगर ये मैं पीऊंगा तो हो सकता है तेरे में कमी वाकई हो जाए तेरे घर के अंदर। मैं जाहिर पीने में ज्यादा जाएगा क्वांटिटी, तो तेरे घर में कमी वाकई हो गई, कल तुझे मेहमान दूसरों को खिलाना पड़े तो तुझे बड़ी मायूबी सी हो, तो इसलिए मैंने तुझसे पूछा। इसीलिए आप दावतों में देखते हैं अक्सर ऐसा होता है कि वो दही रखते हैं रायते के लिए या किसी चीज़ के लिए, ना अक्सर देखते हो। भाई लोग हमारे क्या करते हैं, ये मैंने इसलिए मिसाल दी, भाई लोग हमारे क्या करते हैं, अल्लाह अकबर, उसको गिलास लेते हैं सारा, उसमें डाला दही पानी डाला, दे दो गिलास पी लिए रायता बना के, माशाल्लाह पी लिए। अल्लाह ये हक ही नहीं है आपका, क्योंकि वो तो नहीं बोलेगा लेकिन उसको कम पड़ गया, पड़ जाता शादियों में, शादियों में फिर ये जब कम दही दही वगैरह कम पड़ जाता ना बेचारा, वो शर्मिंदा होता है, इधर उधर आटा आटे मारता, यार मैं क्या करूं, लोगों ने क्या करूं। तो ये आपसे पूछा जाएगा कल कयामत में, आपको तो माकूल के लिए बुलाया, खाने के लिए बुलाया, आप उसका हक नहीं है कि आप उसको शरबत बना के और सारी चीज़ों को बना के अपनी मर्जी से कुछ करें। ये हुकूक इस्लाम ने इसलिए दिए हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि एक दूसरे का आपका ख्याल हो, कल आपके साथ भी ये गुजरे तो वो ये सब चीज़ ना करे। पूछ के करना कोई मनमाने नहीं, आप पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। और भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानहू और उसके महबूब अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाअत के बारे में भी फरमाया, गुफ्तगू के बारे में फरमाया, जब गुफ्तगू करो आपस के अंदर बड़ी मोहब्बत से। हमारे यहाँ क्या होता है, दो आदमी गुफ्तगू कर रहे हैं, तीसरा आदमी समझता है जो बोल रहा है मुझे पहले ही पता है, तो उसको बता रहे भाई रुजा मुझे ही पता है, अस्तगफुरुल्लाह, तो बेचारा वो उसका दिल टूट जाता है। अल्लाह के रसूल ने यह हुक्म फरमाया कि उसकी पूरी गुफ्तगू सुनो, गौर से सुनो, सुनने के बाद अगर तुम्हें पता भी है तब भी को हाँ यार बहुत अच्छी बात की, क्योंकि उसका दिल रखो, मोमिन का दिल रखने की बात है। एक मरतबा मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में बैठे, सुनिए आप ये हदीस सुनिए, सरकार बैठे मुसल्ले पे, एक औरत सामने से आई और कहने लगी, इशारे से बुलाने लगी ऐसे। अब वो औरत थी साइको, समझते हैं ज़हनी मरीजा, वो पूरे मदीने शरीफ में मशहूर थी, सारे लोग जानते साहबी, वो इशारे से बुला रही सरकार को, सरकार उठे उसके साथ गए और जाके वो ग्राउंड मस्जिद के बाहर जाके दोनों बैठ गए और सारे साहबी परेशान किए, सरकार सलाम ने क्या करा। अब वो औरत तो दो तीन घंटे पहले जान नहीं छोड़ेगी, वो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलती रहती, और धूप में जब हजरत उमर को पता चला तो साहबियों को आपने डांटा कि तुमने सरकार को रोका नहीं, तुम जानते नहीं कि वो औरत कौन है। अब वो क्या होगा, हुजूर का नाजुक बदन है मेरे आका सलाम और धूप में बैठे हुए हैं और हुजूर कभी बोलते हैं, कभी किसी को मना करते हैं, कभी किसी को मना नहीं करते। तब देखा सरकार सलाम बैठे हुए दो घंटे, पसीना पसीना, बस उसने गुफ्तगू खत्म की, वोट के आए औरत के साथ, सरकार को हजरत उमर फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पता है, शायद आपको पता है या नहीं, लेकिन ये औरत दीवानी है और ये तो हर एक को पकड़ती, हम तो देखते हैं इसको पीछे से हट जाते हैं गलियों में, है ऐसा ही होता ना कि हम इसको जब देखते हैं वो दूर से आ रही है तो हम साइड पकड़ लेते हैं, अभी हम पकड़ेगी दो चार घंटे हमारे चले जाएंगे, और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतनी धूप में। सरकार ने फरमाया उमर मुझे पता है कि ये औरत कौन है, अरे जब तुम पूरे मदीने में तुम इसी की नहीं सुनते तो इसकी कौन सुनेगा, मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा, जब इसकी तुम नहीं सुनते, ये भी अल्लाह की बंदी है अपना दिल का हाल सुनाना चाहती है, तुम नहीं सुनने से भाग रहे हो तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सुनेगा तो इसकी कौन सुनेगा। फिर फरमाया औरत इधर आ, जब तुझे चाहे तेरा दिल चाहे कुछ बोलने का मेरे मोहम्मद को मुझे पुकार ले, इस वक्त मेरा मोहम्मद तेरे पास हाजिर हो जाएगा, तेरी सारी गुफ्तगू सुनेगा। ये दिल रखने की बात है, एक दूसरे का मोमिन हमारा क्या हाल है, हेलो कोई बात नहीं करता है तो हम उसको काट देते हैं, बात का बात काटना भी मना है, पूरी बात सुनिए पहले उसकी बात। दूसरी बात हमारे इस्लाम का ये तरीका है कि उसकी गुफ्तगू सुन के फिर आप अपने गुफ्तगू का जवाब दीजिए और मोहब्बत से जवाब दीजिए। और हमारा फिर बहादुरी वाला काम भी ये है कि माशरे में सारे के सारे बड़े अखलाक वाले होते हैं, हम जैसे खुसूसियत मौलवी पीर फकीर, अल्लाह इमाम गजाली अलैहिस्सलाम ने किताब में लिखा अपने कि किसी पीर फकीर को देखना उसका अखलाक मोहब्बत, तो बाहर तो आपको बड़ा अखलाक वाला नजर आएगा इसलिए कि वो तबलीग कर रहा है, वो दीन की तबलीग कर रहा है, वो आपसे अखलाक से मिलेगा। लेकिन अगर उसको देखना है सही मानों में तो उसके घर पे जाके देखो, अगर घर पे वो खुश अखलाक है, मोहब्बत वाला है, उसके घर वाले उसकी तारीफ करते कि ये हजरत बहुत अच्छे हैं, तब तुम समझ जाना ये वाकई नेक है। याद रखिए हम बाहर तो गालियां खाते हैं पर जब घर में जाते हैं तो उस गरीब बीवी पे सारा का सारा नजला गिरा देते हैं, उसके साथ ऐसा सलूक करते हैं, अल्लाह उबर ये माशरा हमारे नबी ने ये नहीं सिखाया हमें मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये हमारे नबी की तालीम नहीं है कि हम जाके हम घर में अपना बाहर का गाली है, घर में हमको यहाँ सुन या सुनकर घर में जाके और मोहब्बत से पेश आना चाहिए मेरे दोस्तों। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की क्या शान है, हम गर्मियों में मतलब घर में जाएं और बीवी से जाके हम हाँ लड़ना शुरू करें, क्यों कि हमने बाहर हमने सुना, ये बाहर वाले ने हमें तंग किया, बाहर वाले ने हमें कोई दो तीन सुना दिया, हम बहादुर तो नहीं, बाहर घर के बहादुर हैं, और घर में आके हमने बीवी बच्चों को या बीवी को खासकर बीवी कहूंगा मैं आपको
उसके सामने दो खाना खराब है, तेरा ये है तेरा वो, ये लड़ना मना फरमाया। दोनों दोनों बराबर के पैर हुए, दोनों के हक बराबर भाई बराबर के हैं। आप उससे मोहब्बत से पेश आओगे तो वो आपसे मोहब्बत, आपके बच्चों को भी मोहब्बत देगी मेरे दोस्तों बुजुर्गों। ये तालीम है हमारी। अगर बाहर आपका झगड़ा है तो आप बाहर सहें, उसको सहें, सहना सब्र करना सीखें। इंशाल्लाह ये सब्र करके जब घर में आके मोहब्बत से आप पेश होंगे, आपका मर्तबा अल्लाह की बारगाह में, उसकी रसूल की बारगाह में बुलंद होगा। सरकार अलैहि सलातो सलाम, हजरत आयशा, हजरत उम्मुल मोमिनीन, सैयदना हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला, आखिरी वक्त सरकार उम्मुल मोमिनीन सैयदना खदीजा रजी अल्लाह, हमारी मां साहब का आखिरी वक्त बहुत सख्त बीमार है। आपने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक चीज मांगू आपसे। अब सरकार ने फरमाया, अरे खदीजा मांगो, क्या मांगती है? बोले ये आपके कंधे पे चादर है ना, ये मुझे दे दें, मुझे इनायत कर दें मेरे लिए। सरकार ने फरमाया क्यों, क्या वजह, क्या पूछा दादी? बोले या रसूल अल्लाह, मुझे पता है या रसूल अल्लाह कि मेरा आखिरी वक्त है, मैं इस चादर को अब अपना कफन बना लूंगी। अल्लाह, मैं इस चादर को अपना कफन बना लूंगी। मोमिनीन कहती हूँ, मेरे आका का जवाब सुनिए, देखें ये है मोहब्बत। अजवाज से कितनी अजवाज है, और सबसे मोहब्बत कैसे किया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमें तालीम दी कि आप अपनी बीवी बच्चों बीवियों से इतने मोहब्बत से रहोगे तो तुम्हारे बच्चे डेवलप होंगे, वो अच्छी तरबियत करेगी। जैसा तुम अच्छा मसलाक करोगे घर के अंदर, वैसे ही तुम्हारे बच्चे भी सीखेंगे, सारी जिंदगी तुम्हारी नस्ल वो ये सीखेंगे, मेरा बाप अपने बीवी के साथ अपने माँ बाप के साथ बहुत अच्छा था, तो बच्चे भी उनके साथ अच्छा रहा करेंगे। तो हजरत आयशा, हजरत खदीजा, उम्मतुल खदीजा को हुजूर पुन्नु से आसान जवाब देते हैं, आयशा, हजरत खदीजा तूने खाली चादर मांगी? बोले खुदा की कसम, इस मोहम्मद से तू उसकी चमड़ी, उसकी खाल भी मांगती तो ये खाल उतार कर मोहम्मद तुझे दे देता, ये खाल भी तुझे उतार के देता। ये इस कदर मोहब्बत, ये सिर्फ मोहब्बत का जज्बा है। हमें दो दो घरों में आप बैठे हैं, आपके घर में दो चीजें हैं माशाल्लाह, आपका माशरा डेवलप के घर से होता है। आपके घर में अगर अच्छे अखलाक इस्लामी तालीमात आपने की, आपके बच्चों में आप करें, आखिरी वक्त में आखिरी बात में ये कहना चलूं कि आप अगर अपने बच्चों में ये डेवलप करेंगे, आपको पानी का गिलास देता है, आपके मुंह से जाता नहीं कि जजाकल्लाह कहते हैं उसको, अगर आपने उसका पानी का गिलास लिया बच्चे से, किसी से आपने जजाकल्लाह का, वो बच्चा लामहाला सीखेगा, वो भी कहेगा यार जजाकल्लाह कि मेरा बाप भी कहता था। आप ये क्या, और ये कहने से कितना बरकत, घर में कितनी बरकत आती है, एक बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह कहने से उस खाने में अल्लाह इतनी बरकत देता है। एक मरतबा सरकार अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह पढ़ने से, खाने से पहले अगर आपने बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह पढ़ ली तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं उस खाने में बरकत तो बरकत, तेरे आने वाली रोजी में जो कमी होती है, रुकावट होती है, वो ऐसी दूर होती जाती है कि तुझे पता भी नहीं चलता। एडॉप्ट तो करो घर के अंदर, आप ये फार्मूला अडॉप्ट तो करो खुदा के लिए। अल्लाह सोने से पहले उसको दुआ भी तो बताओ, बिस्मिल्लाह कहना भी सिखाओ बच्चों को, पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह, बैठ कर पानी पीना, ये चंद चीजें हैं। हालांकि आप सब करते हैं, खाना भी खाते हैं, दावतों में भी जाते हैं, सब काम आप करते हैं, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि और अल्लाह और उसके रसूल के लिए नहीं करते। जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, हमारा माशरा इंशाल्लाह ताला दीनदार हो जाएगा, आपके घरों में खैर और बरकतें आनी शुरू हो जाएंगी। आप ये अडॉप्ट करके तो देखें, हम तो खुद कोशिश कर रहे हैं, ये बच्चे आते हैं हमारे सैटरडे के दिन क्लास में, हम कोशिश करते हैं इन बच्चों को ये जान करके ठोंसते हैं, हम डालते हैं उनके दिल में। अल्लाह का शुक्र, तीसरे दिन पूछते भी घर में किया, कितनी दफा किया, कितनी दफा नहीं किया। वो बच्चा घर में करता है, लेकिन जिनके घरों में माँ बापों में ये होता नहीं बेचारा, तो बच्चा शर्मिंदा रहता है। वरना जिनके घरों में होता है वो हमें तारीफ भी करते हैं कि बच्चा माशाल्लाह सुबह सोने से पहले रात को दुआ पढ़ता है, सुबह खाना खाने से पहले पढ़ता है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह अल्लाह और रसूल उसके हबीब के सबके में हमको तालीम की तौफीक अता फरमाए। ये माशरा है अपना, हमें आपस में ही तय करना है, और कोई आके हमारे पर मुसल्लत नहीं होगा। ये इल्म दिया है अल्लाह उसके हबीब ने हमें, तो इसे हमें सीखने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन, सुन्नत अता करें।